देखिए संदेश खाली का लेके मोदी जी झूठा आंसू घड़ियारी आंसू बहाने है, मगरमच्छ का आंसू बहा रहे हैं। पर उसी प्रकार का आप देखिए कई सारा उदाहरण है, चाहे वो करना ये ले लिए कर्नाटका में ले लिए रवन्ना का, और चाहे वो आप गुजरात में देखिए बिल्किस बानो का जब केस हो गया, वो लोगों को गैंग रेप होता, बिल्किस बानो के साथ क्या होता, 11-12 लोग इस केस में मौजूद थे, इस केस में वो लोग दोषी पाया गया था। गुजरात हाईकोर्ट सजा मिल गया, गुजरात हाईकोर्ट उन लोगों को अचानक से न्यूज़ में हेडलाइन बन के आता है, गुजरात हाईकोर्ट वो लोगों को फ्री कर दिया, बिल दे दिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फटकार पड़ने के बाद वो लोग वापस जेल जाते हैं, पर वही जब वो लोग जेल से आते हैं गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद, यही है मोदी जी के लीडर, वो लोगों को जाते हैं माला से स्वागत करते हैं। मोदी जी को कुछ हक नहीं है कि माँ बहन का सम्मान का लेकर झूठा आंसू बहा रहे, घड़ियाली आंसू, वो हक नहीं है। वो लोग प्रेजेंट लवन्ना का केस में भी देख लीजिए आप, चाहे वो बंगाल में हमारे गवर्नर का केस में देख लीजिए, चाहे वो गुजरात में देख लीजिए मणिपुर जो गैंग रेप करके औरतों को लंगा पैरेड नेकेड पैरेड किया जाता है, हज़ारों जानवर के बीच मर्दों के बीच छोड़कर, हम लोग को शर्म आता देखकर, हम लोग को आंसू निकल जाता आंख से कि चीफ प्राइम मिनिस्टर बोलते 56 इंच का सीधा पर चुप्पी साथ के रहते। दोस्तों फिलहाल अभी चुनाव का माहौल है और चुनाव अब से ठीक 7 दिन के बाद है, जहां हर पार्टी के उम्मीदवारों का नसीब का फैसला जनता करेगी, जिसके वजह से हर उम्मीदवार अपने लोकसभा केंद्र में प्रचार जोरों शोरों से कर रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा वार्ड नंबर 61 के मलिक बाजार इलाके में देखा गया, जहां वार्ड नंबर 61 के काउंसिलर मंजर इकबाल और यूथ प्रेसिडेंट अजहर इकबाल के नेतृत्व में एक विशाल स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में लोग नजर आए। आपको बता दें इस स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग में साउथ कोलकाता लोकसभा केंद्र का उम्मीदवार श्रीमती माला रॉय भी अपने लिए वोटों की गुजारिश करते हुए देखी गई, और साथ ही साथ ऑपोजिशन को जमकर फटकार लगाती हुई देखी गई। तो आइए सुनते हैं पूरी रिपोर्ट। हमने साफ कर दिया ये बीजेपी का आदमी है, अधीर रंजन चौधरी बोलो या बानफन वाले बोलो, ये बीजेपी के आदमी है, ये कभी पब्लिक का समर्थन इन लोग के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि इन लोगों का कोशिश ये रहता है कि बीजेपी कैसा कामयाब हो उसमें ये लोग लगे हुए। और हम जिन लोगों का नाम लिया वो लोग सही में अगर आप उठा के देखें तो सभी जो है वहाँ पर मोदी के साथ मुकाबले में डटे हुए हैं, और हर कोई अपना जान का परवाह किए बगैर लगा हुआ है, तो आप उन लोगों की तारीफ क्यों नहीं करेंगे। अरे भाई दुश्मन का दोस्त क्या होता है, दुश्मन होता है, और दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है। तो इसलिए हम आप लोगों को ये बता रहे हैं, ये हकीकत है कि हिंदुस्तान जाग चुका है, और तमाम लीडरान हमारे जो सेकुलर हैं हिंदुस्तान के, ये लोग सब सेकुलर हिंदुस्तान चाहते हैं, ये लोग मोदी के खिलाफ उतर चुके हैं, सिर्फ सोया हुआ है हमारा बंगाल कांग्रेस और बंगाल CPM। तो ये लोग को जागने का सवाल ही नहीं होता, इन लोग को सोने दीजिए, ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ लड़कों को बहका सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन वोट काटने की इनमें हिम्मत नहीं है, कम बंगाल में तो नहीं कर सकते। देखिए अब तक जो हम देख रहे हैं, जो नज़ारा हम देख रहे हैं, ये मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगी। हम 19,000 से ऊपर लीड दिया था, वो मेरा रिकॉर्ड को माला राय तोड़ने जा रही, वो टूटेगा 19-20 के ऊपर जाएगा। आप उनका बात क्यों करते हैं, जो ख़त्म हो गया उसके बाद आप लोग उठाते हैं, मेरा समझ में नहीं आता। वो अभी गई है ना बाई इलेक्शन यहाँ लड़के गई, तो उनके बाद कितने लोग सुने ये भी आप लोगों ने देखा, और उनका हकीकत सामने है। उस दौर में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रोपेगेंडा किया, ये किया, लेकिन देखिए हर चीज़ होता है फुटबॉल, जैसा हम लोग जय हो बोलते हैं, खाला हो बोलते हैं, तो जिसका कोच जैसा रहेगा उसका प्लेयर वैसे ही निकलेगा। अगर ममता बनर्जी का कोचिंग में आके अगर कोई इस तरह का हरकत गलत हरकत करेगा तो उसको फौरन ममता बनर्जी उठा के फेंक देगी। हाँ मोदी का कोचिंग में ये सब चलता है, जो अभी इन लोग अपना चुके हैं, सहरा शाह हलीम बोलिए या अधीश चौधरी बोलिए, ये लोग सब मोदी का कोचिंग में काम कर रहे हैं, उसी का तरह बोल रहे हैं, उसी के ढंग से। आप लोगों का लड़ाई किससे है? बीजेपी के साथ, इंडिया जोड़ से नहीं है यहाँ पे तो? नहीं, इसको हम लोग मैनेज करके बात करते हैं, हम लोग इंडिया जोड़ से ताल्लुक रखते हैं। हमारी मोहतरमा ममता बनर्जी ने इंडिया जोड़ का नाम इंडिया दिया, ये सबको पता है। अब वो बात बात बोल रही कि मैं इंडिया जोड़ के साथ हूँ और साथ रहूँगी, तो यहाँ कहाँ पर दो राय है? लेकिन ये लोग का तो प्रूव है हमारे पास, कांग्रेस का बोलिए उसका प्रूफ है, वामपंथी का बोलिए तो केरला में खुद राहुल गांधी का एक इसमें कैंडिडेट दिया है। इस बार 61 से किस तरह की वोटिंग की उम्मीद आप कर रहे हैं, पिछले बार के रिकॉर्ड टूटेंगे? मेरा अपना जो रिकॉर्ड जो है यहाँ सबसे ज़्यादा है, जो हमने जीता था उससे भी ज़्यादा वोटों से माला था यहाँ से कामयाब होंगी, ये हमको पूरा उम्मीद है। और उसका वाहिद वजह ये है कि लोगों में जागरूकता आ गया है, लोग पहचान गए हैं कौन जाली है, कौन असली है, कौन नकली है,
आप लोग अपने दिल में हाथ रख के सोचिएगा तो एक भी वादा मोदी ने पूरा नहीं किया है। और ममता बनर्जी ने 60 से लेकर 66 योजना का ऐलान कर चुकी है अब तक, और आने वाला दिन में वो सेंचुरी करेंगे। और मेरे ख्याल से सारा योजना जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक और औरतों से लड़की से लेकर औरत तक ओल्ड एज तक जाने के बाद जो सब फैसिलिटी आज दिया जा रहा है, ये तो ज़िंदगी में कभी बंगाल में नहीं मिला। अगर आप तो फिर आप किस भी ना पर वो लोग वोट मांगते हैं। और यहाँ CPM कांग्रेस CPM भी यहाँ 34 साल हुकूमत कर चुका है, और उस ज़माने का कांग्रेस अलग था, विधान चंद्र राय थे, इन लोग सिद्धार्थ शंकर राय थे उस वक्त। देखिए बोलना है क्या है, जलसे को लेकर काफ़ी उत्साहित थे यहाँ के माने हमारे सारे TMC नेता भी, सारे लोकल लोग भी। और आपने देखा होगा जलसे में आज हमारे कैंडिडेट श्रीमती ममता बनर्जी की प्रार्थी श्रीमती माला रॉय भी आज मौजूद थी, और उन्होंने भी अपना अपील, वोट का अपील पब्लिक से रखा, और ये रखा कि हम किस एजेंडे पर, किस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए 2021 में बंगाल की जनता ने हमारी नेत्री श्रीमती ममता बनर्जी को दोनों हाथों से अपना आशीर्वाद, अपना प्यार दिया और भारी तादाद में वोट दिया। तीसरे बार हमारी नेत्री सबका वोट और आशीर्वाद लेते हुए चीफ मिनिस्टर बनी है। उस वक्त भी दिल्ली के जितने सारे नेता थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, BJP के जितने स्टेट के CM हैं, वो सब CM आए। बहुत कुछ बहुतों ने कहा, पैसा, धन प्रयोग, बल प्रयोग, सब कुछ उन्होंने यूज़ किया, पर रिजल्ट क्या आया, 100 पार भी नहीं कर पाए। 2024 में भी वही हाल होना चाहिए। आज जो 7 चरण में चुनाव रखा गया, आज देखिए 7 चरण में चुनाव रखा जा रहा है, जहाँ से 42 से ज़्यादा MP है वहाँ पर ये कम चरण में इलेक्शन हो रहा है। आज गुजरात में 3 चरण में ख़त्म कर दिया, कई जगह 2 चरण में ख़त्म हुई है, कई जगह 5 चरण में भी ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर भी 5 चरण में ख़त्म हो सकता था, पर ये 7 चरण किस लिए किया गया, सिर्फ BJP लीडर के लिए, फ़ायदे के लिए, कि ताकि प्रधानमंत्री आएंगे, लोगों को फिर झूठा सपना दिखाएंगे 15 लाख जैसा, 2 करोड़ नौकरी जैसा, और मंदिर मस्जिद के अलावा लोगों पास तो कुछ आता नहीं, क्योंकि बोलने का क्या है, कुछ तो बोलने का नहीं है, तो बोलेंगे क्या, मंदिर मस्जिद करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, कुछ ना वो लोगों पास योजना है ना स्कीम है। देखिए ये तो इलेक्शन कमीशन पूरा बायोस है, इस बार पूरा बायोस है, जिस तरह देखा जा रहा है कि अभिजीत गांगुली ने हमारी नेत्री के खिलाफ जो वर्ड, जो अब शब्द बयान दिया, यूज़ किया, वो इलेक्शन कमीशन उन्होंने सिर्फ क्या दिया, बदले में शो कॉज नोटिस किया और 24 घंटा प्रचार से दूर रहने को कहा। पर ये असल में इलेक्शन कमीशन अगर बायस नहीं होता तो इस बयान के बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन चाहती तो अभिजीत गांगुली को सस्पेंड कर दिया जा सकता था। तो ऐसे पेश किया गया दूसरे मीडिया चैनल के जरिए, और बाद में जब इसका पता चलता है तो पता चलता है कि ये फैब्रिकेटेड इनक्रप्टेड वीडियो है, बनाया हुआ वीडियो, एडिटेड किया हुआ वीडियो। तो इस आधार पर हमारी नेत्री ने खुद केस भी किया, तो इस कदर का माने आज मैं समझता हूँ साजिश के तहत ये किया जा रहा है, चाहे वो BJP हो, चाहे वो CPM वाले हो, चाहे वो कांग्रेस वाले हो, क्योंकि बंगाल के कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस नहीं, क्योंकि देखा गया था कि प्रोटेस्ट करने वो लोग भी सब पहुँचे, पहले कुछ बोलने से पहले, ये हमारा ही पुलिस था, श्रीमती ममता बनर्जी की पुलिस थी, जिन्होंने केस भी नहीं लगाया। अगर बिना फैक्ट जाने कोई भी मीडिया वाला कोई एक झूठा बयान, तोड़ मोड़ बयान या एडिटेड बयान, इनक्रिप्टेड बयान चलाता है तो ये जिम्मेदारी उसको दिया जाता है। चाहता अगर हमारा पुलिस, तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी की पुलिस, तो उस केस किया जा सकता था, पर ये ममता बनर्जी की पुलिस थी, केस भी नहीं किया, वो लोगों को बाइज्जत पूछताछ करके उन लोगों को छोड़ दिया गया। बयान को लेकर कुछ लोग जो है मुसलमानों से आप बार बार कह रहे हैं कि आप लोग ममता बनर्जी की पार्टी को उनके कंधे पर वोट ना दो। अरे ये बयान का तथ्य क्या है, ये बयान का सच क्या है, क्या ये बयान सच है? खुद तो मैंने देखा कि मीडिया में आकर वही लोग जो लोग पुलिस के अंदर गए थे वही लोग बाहर आकर बोल रहे हैं कि ये बयान इनक्रिप्टेड है, फैब्रिकेटेड वीडियो। तो ये तो साफ हो चुका है। अब ये बयान के बारे में तो हमको नहीं, जो जो वर्ड बोला गया है हमको बोलना भी नहीं चाहिए, नौजबिल्ला बोलना भी नहीं चाहिए। वो लोग ये बयान देखिए BJP के तहत हुआ, हिंदू इलाका में चलाएंगे गीता का लेकर, क्रिश्चियन एरिया में चलाएंगे बाइबल का लेकर, मुस्लिम एरिया में चलाएंगे कुरान का लेकर। BJP का B टीम, CPM कांग्रेस ये यूज़ किया अपना प्रचार के लिए, थोड़ा बहुत उनको फुटेज मिल जाए, पर ये साबित तो हो गया कि ये सच नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे ये बयान का लेकर? क्या पिछली बार इस अंदाज से आप लोगों ने यहाँ का बाई इलेक्शन लड़ा था, यहाँ पर जी हाँ बाबुल सुप्रियो को मार्जिन दिया था, क्या इस बार भी आप लोग साउथ कोलकाता की लड़ाई में अपने वार्ड 61 से एक बहुत बड़ा रोल अदा करने जा रहे हैं? देखिए साउथ कोलकाता में काफ़ी सारे वार्ड आते हैं, काफ़ी सारे बड़े बड़े वार्ड आते हैं, हमारा वार्ड एक मीडियम स्तर का वार्ड है, छोटा वार्ड है। तो हम लोगों को जिस सुबह से शाम के बाद जब रुझान आ जाएगा कि कितना परसेंटेज इस वार्ड से वोट हुआ, उस रुझान के तहत हम लोग बता पाएंगे कि हम लोग कितना लीड दे रहे हैं। पर ये हम लोग ज़रूर कह पाएंगे कि श्री बाबुल सुप्रियो से भी ज़्यादा हम लोग लीड देने वाले, काफ़ी अच्छा रुझान है, काफ़ी अच्छा पब्लिक का हम लोगों को रिस्पॉन्स है, और दोनों हाथों से लोग क्यों नहीं देखिए, ना BJP वाले नज़र आते हैं, ना CPM वाले नज़र आते हैं, ना कांग्रेस वाले नज़र आते हैं, तो वोट पब्लिक किसको देगा? हमारी ममता बनर्जी का इतना सारा योजना है पब्लिक तक पहुंच रहा है, जनाब मंजर एक बार साहब का काम है, श्री बाबुल सुप्रियो का फंड है, तो MP MLA का फंड आता है, काम होता है। तो हमें पूरा यकीन है कि हमारी ये जो बड़ा बड़ा मुद्दा है, NRC हो गया, CAA हो गया, UCC हो गया, देखिए मैं CPM कांग्रेस BJP
यहाँ पूछना चाहूँगा सीपीएम और कांग्रेस से, जो भी बहुत सेकुलर जमात बन रहे, दूसरे स्टेट में आज क्या हाल है? यूपी लीजिए, बिहार लीजिए, झारखंड लीजिए या उत्तराखंड लीजिए, जहाँ पर यूसीसी भी लागू कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग की चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी, हम लोग उनके छाता के अंदर आ रहे हैं और वो यहाँ के सारे वर्ग, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सिखाई ईसाई हो, सभी को अपने छाता के अंदर रख के प्रोटेक्शन दे रही है और हम लोग उनके प्रोटेक्शन के अंदर आ रहे हैं। और आगे भी हमें बीजेपी अगर 1% मान लीजिए वो आ गई, तो इस पाखंडी घमंडी जुमलाबाज भारत जलाओ पार्टी से अगर हम लोग बचा पाएगा कोई, तो श्रीमती ममता बनर्जी बचा पाएगी, NRC हो, UCC हो, CAA हो। अमित शाह ने बयान दिया है कि हमें 35 सीट दे दीजिए, बंगाल को हिंदुस्तान का नंबर वन स्टेट बना दीजिए। देखिए, ये बयान उन्होंने कर्नाटका का चुनाव में भी दिया, ये बयान उन्होंने तमिलनाडु का चुनाव में भी दिया, ये बयान अभी मोदी जी ओडिशा के हुए थे, ओडिशा में भी दे रहे थे। ये तो लोग अब हो गए सही, मतलब जुमला चुनावी जुमला, चुनावी बात बोल, सब स्टेट यारे बोल रहे हमें नंबर वन बनाए, कहाँ से नंबर वन बनाया उन्होंने, नंबर वन बनाया लूटने में। नीरव मोदी भाग गए, मेहुल चौकसी भाग गए, ललित मोदी भाग गए, अभी एक और भोगड़ा प्रज्वल यवन्ना, जिसे मोदी जी ने टिप्पी टपटपाया और बोला इन्हें वोट दीजिए, माँ बहने तो हमको मजबूत कीजिएगा। मोदी जी को क्या नहीं पता था कि वो कितने बड़े रेपिस है? 300-400 महिला का संघ जिन्होंने उत्पीड़न किया है, वो उसको मोदी जी ने सपोर्ट किया। वहाँ के कर्नाटक के लोकल नेता ने मोदी जी को पेनड्राइव भी दे दिया था, लेटर भी दे दिया था कि विजय रवन्ना के बारे में सब कुछ बोलिए, तब भी टिकट भी दिया, कैंपेन भी किया। उसके बाद संदेश खाली का आप बोलिए ना, बहुत संदेश खाली कर रहे थे। बाद में क्या पता चला, ये ममता बनर्जी ने नहीं कहा, हमारे लीडर अभिषेक बनर्जी ने नहीं कहा, हम लोग नहीं बोल रहे, बीजेपी के खुद वहाँ के लोकल नेता, वहाँ के मंडल के सभापति वो बोल रहे हैं कि ये पूरा सजाया हुआ किसका था, शुभेंदु अधिकारी, चोर डकैत शुभेंदु अधिकारी का, ये संदेश खाली था। गवर्नर में क्या, बंगाल के गवर्नर मोदी जी चुप्पी साधे हुए अभी तक एक स्टेट में भी नहीं आया। शर्म आना चाहिए ऐसा गवर्नर को और ऐसा सेंट्रल सरकार को। देखिए, संदेश खाली का लेके मोदी जी झूठा आंसू, घड़ियारी आंसू बहाने है, मगरमच्छ का आंसू बहा रहे, पर उसी प्रकार का आप देखिए कई सारा उदाहरण है, चाहे वो भी वो कन्ना ये ले लिए कर्नाटका में ले लिए रवन्ना का, और चाहे वो आप गुजरात में देखिए बिल्किस बानो का जब केस हो गया, वो लोगों को गैंग रेप होता, बिल्किस बानो के साथ क्या होता, 11-12 लोग इस केस में मौजूद थे, इस केस में वो लोग को दोषी पाया गया था। गुजरात हाईकोर्ट सजा मिल गया, गुजरात हाईकोर्ट उन लोगों को अचानक से एक दिन न्यूज़ में हेडलाइन बन के आता है, गुजरात हाईकोर्ट वो लोगों को फ्री कर दिए, बेल दे दिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फटकार पड़ने के बाद वो लोग वापस जेल जाते हैं, पर वही जब वो लोग जेल से आते हैं गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद, तो यही है मोदी जी के लीडर, वो लोगों को जाते हैं और माला से स्वागत करते हैं। मोदी जी को कुछ हक नहीं है कि माँ बहन का सम्मान का लेके झूठा आंसू बहा रहे, घड़ियाली आंसू, वो हक नहीं है। वो लोग प्रज्वल लवन्ना का केस में भी देख लीजिए आप, चाहे वो बंगाल में हमारे गवर्नर का केस में देख लीजिए, चाहे वो गुजरात में देख लीजिए, मणिपुर जो गैंग रेप करके औरतों को लंगा पैरेड, नेकेड पैरेड किया जाता है, हज़ारों जानवर के बीच, मर्दों के बीच छोड़कर, हम लोग को शर्म आता देखकर, हम लोग को आंसू निकल जाता आँख से कि चीफ प्राइम मिनिस्टर बोलते 56 इंच का सीधा है पर चुप्पी साध के रहते। देखिए, फिर दूसरा दिन उन्होंने अपना बयान को फिर जब उनसे पूछा ही है कि आपने बोला यह मंगल सूत्र के बारे में, आपने बोले ये कि भारत में मुसलमान प्लेयर लोग आ जाएंगे, आपने बोला यह कि जितना संपत्ति जो ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं वो लोगों को मिल जाए, तो वो उस वक्त बोलते हैं कि मेरा मुँह में ये क्वेश्चन मत डालिए, हमने नहीं बोला, वो मुखर जाते। एक्चुअली में सच्चाई ये है कि मोदी जी का दिमागी संतुलन पूरा खो चुका है, वो हार का सामना करने में डर रहे, हार को सामना कर नहीं पा रहे। 5वां चरण का इलेक्शन हो गया है, 6ठा चरण में देश की जनता बीजेपी सरकार को ऑक्सीजन से वेंटिलेटर में ला के पहुँचाने वाली है, और 7वां चरण में बंगाल के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग बीजेपी को वेंटिलेटर से हटाकर हिंदुस्तान से भगा फेंकेंगे। आज के बाद ये देखा कि पहला ऐसे प्रधानमंत्री बने जो अभी तक एक भी डिबेट में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, सारे के सारे लीडर फेस टू फेस नहीं किया, डिबेट नहीं किया, सारे के सारे लीडर उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। आप ये प्रधानमंत्री, आप जब आपने बहुत अच्छा काम किया है देश के लिए, तो आप क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं, क्यों नहीं मीडिया से वार्तालाप कर रहे, क्यों नहीं मीडिया से घबरा रहे अपना क्वेश्चन का सामना करते हुए? उन्होंने सिर्फ फायदा देखिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो लिस्ट निकला सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, ये पता चल गई कितने लंगे, ये दो मुखौटा पहन के, दो मुक्कस पहन के अपने मुंह में, एक तरफ वो बोलते हैं ये मत खाइए, वो मत खाइए, मांस मछली मत खाइए, दूसरे तरफ विप कंपनियों से 500 करोड़ चंदा लेते हैं, एक तरफ इंडिया पाकिस्तान करते हैं, दूसरे तरफ पाकिस्तान के कंपनियों से चंदा लेते हैं और बिना दावत के बिरयानी खाने जाते हैं, दूसरे तरफ बोलते हैं 56 इंच का सीना, पर जब चाइना किसको नहीं पता, आज कोई बोलते कोई नहीं मानते, अंधभक्त लोग नहीं मानेंगे, पर चाइना और लद्दाख में, चाइना अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चाइना घुस कर हमारा ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हैं, ये 56 इंच का सीना या सिर्फ 6 इंच का सीना, चुप्पी साधे हुए। तो ये तो पूरा फेलियर है टोटली, हर महाज में महंगाई लीजिए, बेरोजगारी लीजिए, गरीबी हटाओ बोलिए, चाहे वो रोजगार देना दिलाने के लिए बोलिए, सब चीज़ में सिक्योरिटी ले लीजिए हमारे देश को, जब चाइना घुस के बैठ गया तब कुछ नहीं करे, सब लिहाज में, सब महाज में ये फेलियर है। उन पर बैठा हुआ है जहाँ घर बुलडोज किया हुआ जाता है, वहाँ जहाँ पर रेपिस लोग को माला से स्वागत किया जाता है, अब गुजरात में आप क्या बोलेंगे, 2002 को आप क्या बोलेंगे, राजस्थान में आप क्या बोलेंगे जहाँ मॉब लिंचिंग होता जाता है, या मध्य प्रदेश को आप क्या बोलेंगे,
बिहार को क्या बोलेंगे, बंगाल, ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, सेंट्रल का मोदी जी का ऑफिस से ये प्रमाण हो रहा है कि सबसे सेफेस्ट सिटी है पूरे इंडिया में, ये हमारा कलकत्ता है। अगर चाइना घुस के बैठ के आप उसके लिए कुछ सांस दिखा नहीं ले रहे, और खाली इंडिया पाकिस्तान कंपनी से पाकिस्तानी कंपनी से चंदा ले लिए, ये वर्गरा रहे सिर्फ अपने हिंदू भक्तों को खुश करने के लिए। और देखिए आप, कोई दवा कोई मलम काम नहीं आने वाला है। इन्हें चार तारीख को पूरे हिंदुस्तान की जनता, हर वर्ग, हर जाति, हर कास्ट, हर रिलीजन, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर 4 तारीख को एक जश्न बनाएंगे, उल्लास बनाएंगे यार। और मोदी जी झोला उठाकर अपना जाने वाले, ये बीजेपी पार्टी का विसर्जन पूरा होने वाला है।